फिर उसके बाद फिर जो जी जैसे जी जी उसमें हम करेंगे सर। तो आज हम बात करते हैं टाइप्स एरे। एरे के दो टाइप्स होते हैं, पाइथन के अंदर या किसी भी चीज के अंदर एरे के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करें एरे के टाइप में, तो सिंगल डायमेंशन एरे, सिंगल डायमेंशन एरे, और दूसरा आता है मल्टी डायमेंशन एरे। तो यहां पे लिखते हैं कि फ्रॉम एरे इंपोर्ट, इंपोर्ट स्टार, ठीक है सर। और यहां पे एक्स इक्वल टू, यहां हमने किया एरे, और एरे में हमने यहां पे आई दिया और यहाँ कॉमा करके कुछ नंबर्स लिख देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये होता है सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है सर। सिंगल डायमेंशन एरे मतलब हुआ कि एक ही रो हुआ, मतलब एक ही कॉलम हुआ, कई सारे कॉलम नहीं हुआ। अगर मल्टी डायमेंशन की बात करें तो जैसे मैंने वाई इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखा एरे, और एरे के अंदर हमने यहीं पे स्क्वायर, मल्टी डायमेंशन में डिफाइन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। एक मेन स्क्वायर ले लिया और उसके अंदर एक और लिया, ये हमारा पहला कॉलम हो गया। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 10, 20, 30, 40, 50 लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे कॉमा किया दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम यहाँ पे 60, 70, 80, 90 एंड 100। तीसरा करना है, जैसे तीसरा होगा कॉमा, तीन कॉलम। तो ये हो गया हमारा क्या कि पांच रो और तीन कॉलम का एक मल्टी डायमेंशन एरे बना। ठीक है सर, ये क्या हो गया मल्टी डायमेंशन एरे, क्लियर है। इसी को बोलते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब इसी का यूज हम करते हैं, लेकिन एरे का मेन, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एरे का मेन होता है नंपी के अंदर, नंपाई जो बताऊंगा मैं, आप लोग नंपाई कहते हैं, हम ऐसे ही नंपी कहते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ता है सुन लेने। तो नंपी के अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है सर। दिखाते हैं, चलिए इसको रख लेते हैं। तो सिंगल डायमेंशन मल्टी डायमेंशन से मतलब, डायमेंशन बोलिए। में भी हम डेटा टाइप करके नहीं, डेटा टाइप की जरूरत नहीं है उसमें सर, डेटा टाइप कर देते हैं, इंटीजर टाइप कर देंगे ना, तो इंटीजर नो ऑटोमेटिक ले लिया जाता है। ले रहे हैं। नहीं सर, इसमें एरे में देने देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नहीं, मल्टी डायमेंशन में देने की जरूरत नहीं होती है, और ऑटोमेटिक ले सकते हैं अगर हम बीच जी। में उसे और करते हैं तो नहीं लेगा वो, उसको एज ए लिस्ट ले लेगा, ठीक सर, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे हमने ब्लैंक कैसे क्रिएट करेंगे इसको को। ब्लैंक, इसे ब्लैंक क्रिएट नहीं होता है सर, बताऊंगा सर, अभी बताऊंगा, मैं बस दिखाया मैंने आपको, इसे एग्जांपल दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको, चलो बताता इसका एग्जांपल। ये पहले नंबी के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंपी इंपोर्ट किया, तो हमने लिखा इंपोर्ट, तो इंपोर्ट नंपी, ठीक है। तो नंपी क्या है, मॉड्यूल्स। अगर नंपी नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ या टर्मिनल में जाके पिप इंस्टॉल नंपी, ठीक है सर, नंपाई।
आपसे रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था? नहीं, रिकॉर्डिंग चालू। तो यहां हमने यहां लिखा a इक्वल टू हमने यहां पे लिखा नंपी डॉट एरे, और इसके अंदर हमने डाला, इसके अंदर आपको टाइप डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है सर, तो नंपी पे भी एरे का यूज किया जाता है। अब बोलेंगे सर इसका इस्तेमाल क्या होता है, तो देखिए नंपी का यूज आगे चल के जो डेटा एनालिटिक्स में या फिर आप जो मैटप्लॉटलिब के अंदर भी हम इसका बहुत सारा यूज करने वाले हैं, बहुत सारा का इस्तेमाल। ठीक है सर, उसमें आपका ए ज्यादा ए होता है, यूज होता है नंपी। जैसे प्रिंट में हमने मान लीजिए कि यहाँ पे ए कर दिया, तो देखिए नंपी कैसे प्रिंट करता है। देखा सर, अच्छा इसका एक यूज, नंपी का एक यूज करके दिखाता हूं, समझे, एक छोटा सा यूज करके दिखाता, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो करके दिखा। तो चलो हम एक एक विजुलाइजेशन, एक चार्ट हम बनाते हैं आपके, ठीक है सर, एक विजुलाइजेशन हम तैयार करते हैं आपके, उसमें हम नंपाई का यूज करेंगे। सबसे पहले यहां हम करते हैं इंपोर्ट, इंपोर्ट नंपाई एज ए एनपी, ठीक है, उसके बाद यहां पे इंपोर्ट हम करते हैं मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज ए, इसको हम कर देते हैं PTL। ऐसे एज ना कर दिया तो क्या होगा कि अब पूरा नंपी डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे नंपाई के पे वर्क करें। तो दो हमने लाइब्रेरी को कॉल किया, एक तो हमने एरे के लिए नंपी यूज किया, दूसरा हमने ग्राफिकल मैंने कि चार्ट्स वगैरह दिखाने के लिए हमने नंपाई यूज किया है, तो मैटप्लॉटलिब का पाई प्लॉट हमने लिया है। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, हम एक्स इक्वल टू हम करेंगे एनपी, एनपी बड़ा हो गया छोटा नहीं करता, एनपी एनपी डॉट अरेंज, क्या हो गया, आपने हमने क्या किया अरेंज, अरेंज के अंदर में हमने यहां पे 0, 10, 5, 2.0 कर दिया, ठीक है, अब एक्स बड़ा है छोटा कर, तो यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं हो गया सर में, नहीं अभी भाई इसको हाँ थोड़ा सा ये बड़ा तो हो गया, यहाँ डॉट लगा देते हैं, डॉट छोड़ गए, 0 स्टार्ट होगा, 10.5 तक जाएगा और 0.2 का ये रहेगा। अब इसी को हम प्रिंट करें, प्रिंट, और प्रिंट में हम करते हैं एक्स, तो क्या होगा देखिए, ठीक है सर, 0, 2.0, 2.4, तो ये एरे के फॉर्म में आ गया ना सर, दिख रहा है सर जी, तो ये क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट करना है, 10.5 तक जाना है और 0.2 का गैप देना, ओके, ये भी इसने एरे क्रिएट किया है, जी जी बिल्कुल, क्योंकि आपका एनपी एरे ही देता है रिजल्ट।
अब मान लीजिए हम वाई इक्वल टू इस सब का साइन का मान लेते हैं, तो एनपी क्योंकि मैथमेटिकल यूज किया जाता है, तो आपको ऊपर से मैथमेटिकल कॉल इसमें नहीं करना होगा, इसी में लिख दीजिएगा आप साइन, इस साइन SIN साइन, और साइन में मान लीजिए हमने एक्स को डाल दिया, और फिर वापस जेड इक्वल टू हम वापस करते हैं एन पी डॉट कॉस, और कॉस में भी हम एक्स को डाल। अब यहां पे अगर आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हो कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो तीनों यहां प्रिंट होगा, आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है सर। तो ये नंबर था, इसका इसका इसने साइन मान निकाला, फिर इसने इसका कॉस मान निकाला, एक्स हो गया, मैं जेड ना करना था, जेड ठीक है सर, लिख रहा है सर यहाँ पे इसका कॉस मान। लेकिन मैं इस तरह से प्रिंट नहीं करवा जाता हूं, मैं इसके लिए एक काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पीटीएल डॉट, पीटीएल है ना, पीटीएल डॉट, और इसमें मैं करता हूं प्लॉट, प्लॉट प्लॉट में एक्स वाई कॉमा वाई एक हो गया, और फिर अगेन पीटीएल डॉट, पीटीएल डॉट अगेन प्लॉट, और इस प्लॉट में एक्स हमारा और ये यहां पे जेड हो जाएगा, ठीक है सर, और यहीं पे करेंगे पीटीएल डॉट शो डॉट शो ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसको रन करने पे क्या हुआ देख, देखा सर एक चार पड़े। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रोग्राम से पैथन में रन होगा, इसको हम वापस एक्सेल पे भी रन कर सकते हैं। देखिए अब एक्सेल पे कैसे रन हुआ इस चीज को देख, यहां पे फॉर्मूला ठीक है। अब इसमें सबसे अब जरूरी नहीं है कि ये करें, अब ये पहले ये जो है इम्पोर्ट, ये तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, अरेंज भी लेना पड़ेगा, साइन कॉस भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने ये चीज ले, ठीक है सर, आई छूट गया सर, आई छूट गई, और इम्पोर्ट का आई छूट गई, और उसके बाद जो है ये यहाँ से ये तीन ले लिया, ठीक है। अब कंट्रोल एंटर मारिए, इमेज आ गई। अब इसमें यहाँ ये दिख रहा है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला एक्सेल वैल्यू निकालो, अबे और इस पे क्लिक करते इमेज बाहर आ जाए, ठीक है सर। अब जरूरी नहीं है कि ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया पूरा, इस पर एक्सेल से लिंक नहीं है ना, आप चाहो तो यहाँ एक्सेल से लिंक कर सकते हो, तो जीरो हो गया और यहाँ पे हमने 0.5 टू है ना, टू कर लिया, 20, और इसी में हम प्लस 0.20 ऐड करके चले जा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है सर। ये था ना, अब हम इसमें जाके देखें 0.24 ये देख, ये था ना सर 0.5 तक, इसको हम नीचे तक लेकर आते हैं, तक ले, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया, हमने इसका साइन, तो साइन का मान यहां भी होता है, ओके, इसमें हमने क्या लिया कॉस का मान, ये हमारा हो गया एक्स, ये हो गया सॉरी एक्स, ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया मेरा जेड,
ठीक है सर। अब यहां जो प्रोग्रामिंग मैंने लिखी है, ये जो प्रोग्रामिंग दिख रही है, इसी को लेते हैं यहां पे, यहां। तो यहां हम फॉर्मूला वाले में जाते हैं और यहां पे हम करते हैं ये इंपोर्ट। ये तो दो करना ही करना है, ये तो आप बड़ा ही कर सकते हो टाइपिंग करने के लिए, कोड लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ x इक्वल टू, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये करें, x इक्वल टू हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, देन y इक्वल टू हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड z इक्वल टू हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है सर। अब उसके बाद ये जो आपका आ रहा है, ये जो चीजें है, इसको लीजिए और यूज कर लीजिए यहाँ पर, कंट्रोल एंटर मारिए, इमेज आ गए। अब इसमें इमेज यहां शो कर रहा है, शो कर रहा है सर। अभी इसको आप एक्सेल पे चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेल पे कर दीजिए, इमेज यहां आएगा, और इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कीजिएगा, इमेज यहां आ जाएगा आपका। समझ में आया सर कि नहीं? हाँ जी सर, ये तो जस्ट अभी एग्जांपल है ना, ऐसे तो होता नहीं है ना मैक्रो के, उसको तो हम अलग से लिख। हाँ मतलब कि ऐसे यूज होता है मेट्रोलिप। नहीं देखा हमने एक, हाँ एक देखिए दूसरी चीज है कि मैंने यहाँ जो डेटा, एक एग्जांपल हुआ कि डेटा हमने ऐसे रैंडम ले लिया, क्या ले लिया है, यहाँ से रैंडम ले लिया, राइट। लेकिन एक होगा कि हमारा जो एक डेटा होगा जो कहीं से इंपोर्ट होकर आएगा, जरूरी थोड़ी कि इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे तो फिगर होगा ना सर। हमने ऐसे साइन डेटा कॉस डेटा ले लिया, बट यहाँ पे तो एक अमाउंट होगा ना, बिल्कुल। उस अमाउंट को लेके हम इस तरह के चार्ट बना लेंगे, समझ में आया सर? ये जो एक्स जो है हमारा वो एक्सिस है, यहाँ पे दिख रहा है ना सर, एक्सिस है, और ये वाई और जेड जो है ये एक्सिस है। इसमें इसमें हमारा लग सकता है कि अरेंज हमारा गड़बड़ हो गया होगा शायद, और ये जीरो है ना, माइनस और प्लस ऊपर चल रहा है। इसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन देखेंगे बस मैं एग्जांपल दिखाया आपको, ठीक है सर, कैसे हम एक्सेल पे भी अपना पाइथन, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ नहीं समझ नहीं पाई क्या हो, कॉस है ना सर, ये साइन है, ये कॉस है, और ये दो दो का गैप दिखा रहा है हमारा, 2.0 का, 4, 6, 8 ये था ना यहाँ पे, 1.2। ये जो ग्राफ है वो साइन और कॉस का है, जी जी ठीक है सर। तो बैक टू टॉपिक, तो कहने का मतलब है कि नंपी पे हम ज्यादातर एरे का इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको ए समझा एग्जांपल दिया, ठीक है। आगे चल के जब हम डेटा उठाएंगे, आप देख ही सकते हैं कि डेटा जो उठाया वाई के ऊपर डेटा उठाया, पूरा एक रो का डेटा उठाया ना सर, तो आगे चल के इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इसको एक रहता हूँ, तो आगे चल के ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा प्लॉटलिब में, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। अब इसका यूज हम, आप बोले सर ये तो हम ऐसे, आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसको तो जनरली हम अपना इससे भी लगा बना सकते हैं ना, जो हमारे नॉर्मल एक्सेल के चार्ट्स हैं, ए वाले चार्ट्स कहाँ गए, स्कैटर चार्ट हो, यहाँ स्कैटर चार्ट, इससे ही बना सकते हैं, इधर ना इससे बना सकते हैं। हाँ तो यहाँ इस केस में हम इससे बना सकते हैं, ठीक है सर।
इस केस में अब देखेंगे ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है ना। देखिए तो कई बार क्या होता है कि डेटा ये यहाँ पे भी डेटा कहीं और से आता है, कई बार कुछ ऐसे ग्राफिकल चार्ट होते हैं जो कि इसके अंदर बनाना पॉसिबल नहीं है सर। इसमें बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल, हम फॉर्मेटिंग किया ही जैसे नहीं ना। वाइनल वायलिन चार्ट है हमारा, हाँ वायलिन चार्ट है हाँ तो यहाँ पे हमने नहीं, जो, बिल्कुल और इसके बाद इसकी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो कि हमने किए नहीं है, लेकिन यहाँ तो कुछ लिमिटेड फॉर्मेट है ना सर। बिल्कुल। चलिए बैक टू पैथम। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने हमने नंपी, जब नंपी यूज करते हैं, जैसे मैंने लिखा फ्रॉम नंपी नंपाई इंपोर्ट स्टार, ठीक है सर। और ए इक्वल टू हमने एरे, ए इक्वल टू एरे, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया ए बी, तो नम बाई के अंदर जो एरे होता है वो जो आपका एनीथिंग वैल्यू ले लेता है, तो उसमें हमें केस डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। इससे तो नम बाई हम लेते हैं ताकि हमें केस डिसाइड करने की जरूरत ना हो, ठीक है सर। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे डेटा एंटर डेटा के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। आगे अब इसमें जरूरी नहीं कि नंबर नहीं डाल सकते, हमने 10 डाला, देखिए अब क्या आएगा, 10 भी आ रहा। तो 10 जो आया वो भी एज ए करेक्टर ही आया, यहाँ देख रहे सर ऑटोमेटिक इसमें इसने लगा दिया। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे सर मिक्स डालें तो क्या होगा, बोल रहे थे ना सर। तो अगर आपने उसमें टेक्स्ट डाल रखा है तो टेक्स्ट को भी और नंबर, टेक्स्ट और नंबर दोनों डाला तो नंबर एज ए टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया, देख लीजिए ठीक है। अब बात आती है क्या इसमें हम डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं? जी हाँ, डेटा टाइप यहाँ इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ले लेता है, यहाँ भी आप नंबर डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉमा डालें और ये दिख रहा है डी टाइप, डी टाइप यहाँ पे लिखिए, डी एस हो गया, डी टाइप इक्वल टू क्या है एस टी आर है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए एस टी आर, ठीक है सर। या इंटीजर है तो इंट लिख दीजिए, तो डेटा टाइप इसके अंदर आप खुद बखुद डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये डेटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, जी है ना सर? जी जी बिल्कुल। दूसरा होता है कि हम एरे, दूसरा एरे पहले एरे से भी कर सकते हैं। तो यहां पे से लिख दिया बी इक्वल टू एरे, और एरे के अंदर हमने ए को कॉल कर दिया, समझ में आया सर। या फिर हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सी इक्वल टू बी, ये भी एक एरे बन जाएगा, ओके। यहां पे अगर हम सी को प्रिंट करते हैं, आ रहा क्लियर सर। हाँ जी सर, बात करते हैं लाइन स्पेस। नंबी के अंदर ही एक लाइन स्पेस का ऑप्शन होता है, यहां पे लिखते हैं इंपोर्ट नंबी, नहीं यहां पे फॉर्म लगाते सही रहेगा, फॉर्म इंपोर्ट अब यहां पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू लाइन स्पेस, और हमने यहां पे दिया कि 0 से स्टार्ट हो 10 तक चले,
और हमने स्वाइप कर दिया। अब देखिए लाइन स्पेस क्या करता है, प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने ए इक्वल स्पेस कॉमा ये दे दिया। इसने अढ़ाई अढ़ाई का गैप दिया, 5 7 5 10। इसका लाइन स्पेस का मतलब हुआ कि इसने क्या किया, डिवाइड 0 to 10 इंटू 5 पार्ट्स। तो यहां स्टार्ट हो जाता है, यहां एंड हो जाता है, यहां हो जाता है कि भाई कितना चाहिए आप, कितने पार्ट में चाहिए। ठीक है, द लाइन स्पेस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एनी एरे विथ इवेंटली स्पेस पॉइंट बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। समझ में आया, इसे भी हमें अरेंज किया था, तो अरेंज में तो हमने स्टेप दिया था ना। लाइन स्पेस में क्या होता है कि आप जो भी स्टार्टिंग एंडिंग करेंगे और जो बोलेंगे मुझे 5 चाहिए, तो उसको उसी तरह से 5 भागों में तोड़ देगा। ठीक है सर, लाइन स्पेस। इसी में एक और आता है लॉन्ग स्पेस। तो यहां पे v इक्वल टू हम लिखते हैं लॉन्ग लॉग 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 नहीं लॉन्ग नहीं लॉग स्पेस लॉग स्पेस जी हाँ लॉग स्पेस। लॉग स्पेस सिमिलर लाइन स्पेस की तरह है। ठीक है सर, यहाँ पे स्टार्ट 1 and 4 एंड यहाँ पे हमने इसको भी 5 में बोल दिया। अब यहाँ पे भी हम लेते हैं कॉपी एंड करते हैं प्रिंट और ए करते हैं बी और यहाँ भी करते हैं बी। ये लॉग एथीमेट्रिक स्पेस स्केल को लेके चलता है सर, यानी जो आपका स्टार्ट है उसकी पावर 10 करेगा और जो आपका वो है एंड है उसकी पावर 10। जी हाँ, डिवाइड द रेंज 10 पावर ऑफ 1 to 4 और उसको इक्वली 5 टाइप पे डिफाइन कर देगा। ठीक है सर, ये जो 5 हुआ ये 5 को ये 5 जो है देखिए 5 हो गया पार्ट कि भाई पार्ट होगा, ये 1 हो गया आपका स्टार्ट नंबर, ये हो गया आपका पावर। क्या डेफिनेशन देखेंगे तो यह है कि डिवाइड द रेंज 10 पावर 1 to 10 पावर 4 इंटू इक्वल 5 पार्ट्स। इसकी मैथमेटिकल देखनी पड़ेगी, 10 पावर हो गया ऑलरेडी इसके अंदर फिक्स होता है 10, तो 1 हुआ तो 10 का पावर 1, फिर यहां पे आएगा आपका 2 हुआ 2 का पावर 10, 10 इज 10 का पावर 4 हो गया 1 to 4, या जो हमने 1 टू 4 लिखा ना तो 10 का पावर 1 तो 10 आया, फिर 10 का पावर 2 तो 100 आएगा, लेकिन 100 नहीं सो किया क्योंकि इसको इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड करना है ना सर। इसी यानी सर ये सिंपली आपका 10 से लेकर 40 तक चल रहा है और ये 10 से 40 के बीच को ये 5 भागों में से डिवाइड कर दिया है। जी हाँ जी हाँ, दिस फंक्शन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग
10 का पावर 1 टू 10 का पावर 4, दिस वैल्यू आर डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पॉइंट्स एंड दोज पॉइंट आर स्टोर्ड इनटू द एरे। ठीक है सर, अरेंज मैंने आपको बता ही दिया है कि अरेंज क्या होता है, अरेंज बताने की जरूरत है सर? क्या बोल रहे? ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ये लॉन्ग स्पेस। हाँ, इसका कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है, ये लेकिन हाँ ओके नहीं, होता है क्या इसका यूज? नहीं, मीनिंग तो इसका है। हाँ इसका यूज जो होता है चार्ट्स वगैरह आप बनाते हैं तो आपके चार्ट्स में कई बार आपको जो प्लॉट दिखाने होते हैं ना साइड में, जो एक्सिस दिखाने होते हैं, उस एक्सिस के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है, उस पर यूज का यूज होता है। जैसे कि हमने अरेंज का यूज किया, अरेंज तो सिक्वेंसली चला था, लेकिन जब डेटा काफी बड़ा होता है तो उस केस में इसका यूज करना। ठीक है सर, तो एरे में अब आगे विशेष जो एरे होगा वो हम आपको पढ़ाएंगे किसके अंदर, जब नंपी पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि तो इसमें आगे सारा नंपी का यूज किया गया। अभी नंपी नंपाई तो पढ़ाया नहीं है, तो फिलहाल यहीं पे ठीक इसको स्टॉप करते हैं। नंपाई के साथ आपको इसके अंदर में डिटेल में पढ़ाएंगे, नंपाई और मैटप्लोट्लिब आपको साथ में चलेगा, उसमें आपको उसका यूज भी दिखते जाएगा कि हाँ इसका क्या यूज होगा, तो आपको समझना है। जैसे एक्सेल पे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो यहाँ आपको अरेंज का समझ में आया ना सर कि अरेंज का क्या यूज है? क्या सर, यहाँ अरेंज का यूज समझ में आया ना कि अरेंज नहीं देंगे तो फिर ये कैसे बनेगा नीचे का? तो इसके साथ बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है सर, एरे को ठीक है। सर, एक बार ये लॉग स्पेस था ना, एक बार और थोड़ा सर लॉग सा स्पेस, क्लियर करवाइए सुनिए, लॉग स्पेस क्या है? लॉग स्पेस ए जो हुआ, ए आपका स्टार्टिंग हुआ पावर, लॉग स्पेस समझ जाइए 10 का पावर देता है। क्या देता है? 10 का पावर। ओके, अगर हम इसको जीरो कर दें तो ये जीरो भाग ए सबका रिजल्ट जीरो आएगा। ना देखिए, हाँ देखा आपको, 0, 2.5, 5, 7.5, 10, बी आपका जीरो हो गया, बी आपका जीरो, देखिए सॉरी ऊपर है ना, यहाँ पे अगर हम 3 करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा बी को। यहाँ देख 10, 16 एंड 1000, तो ये क्या हुआ? अगर ये कि ये 10, 16 और ये 10,000, ये कैसे है? मैं वही तो समझा रहा हूँ कि इसने इसने क्या किया, ये है ना, इसने क्या किया, ये अब बताता हूँ आपको। इसने सबसे पहले 10 का पावर लिया 1, ठीक है, यहाँ पावर निकालते हैं, पावर का सिंबल ये होता है, इसमें 10 आया, फिर इसने 10 का पावर निकाला 2, फिर इसने 10 का पावर लगा निकाला 3, क्या निकाला? 3, तो 10,000 एंड क्या हो गया? 1000। अब इस तीनों को उसको क्या, चार तक है ना, हाँ चार हो, और फिर यहाँ पे इसने 10 का पावर अगेन निकाला 4, तो इसके बाद उसको नंबर क्या मिला? नंबर मिला 10, 100, 1000 एंड 10,000, चार नंबर मिला। लेकिन इन चारों को उसको 3 भागों में तोड़ना है, उसको 3 ही इनपुट चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसने इन तीनों का जो देख इन तीनों का ऐसा सीक्वेंस बनाया कि 0, 316 और 3000, 316 और ये आपका 3000, तो इसको 3 भागों के लमसम में तोड़ दिया, मिनिमम और मैक्सिमम को पकड़ा, उसके मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिख दिया और बीच का एक वैल्यू निकाल दिया 316 पॉइंट समथिंग। समझ में आया कि नहीं सर? अगर हम 3 के जगह पे 4 यहाँ करते हैं तो इसको 4 भागों में तोड़ेगा, देखिए यहाँ पे 100, 10, 10,000, 4,000, तो इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा नंबर दिखा दिया आपका, क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई कम ज्यादा नहीं है, तो अगर आपका जो पार्ट आपने दिया है वो पूरा का पूरा फिक्स है तो जो नंबर आएगा वो दिखा देगा। अभी यहाँ पे दिख रहा है ना सर आपको, इसमें 10 दिखाया, 100, तो ये 10 का पावर 1, 10,
10 का पावर 2 100, 10 का पावर 3 10,000, 10 का पावर 4 4,000, तो चार इक्वल भाग को तोड़ दिया। जैसे नंबर बढ़ेगा, जैसे 1 2 3 बढ़ रहा है तो फिर वो 1 2 3 बढ़ रहा है, वो 10 की पावर होते जा रही है। जी हाँ, 10 का पावर होते जा रही है। ये 10 का स्टार्ट पावर हो गया, ये आपका एंड पावर, और आपको सारे को कितने भाग में तोड़ना है वो यहाँ डिसाइड हो गया। तो जितना आपने दिया है उतना है, तो जिस सेम नंबर आ जाएगा, अगर कम और ज्यादा करेंगे तो फिर उसको पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। समझ गए? चलिए इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल हम इससे आगे शुरू के बात करेंगे, ठीक है? कल हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, हम आपको फंक्शंस क्रिएट करना सिखाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे बोलिए नंपाई में अलग से होगा टॉपिक, या फिर बस इतना ही है नंपाई में? नहीं, नंपाई बताऊंगा सर, नंपाई और मैटप्लोटलिब एक साथ बताऊं। अच्छा, तो